जहाँ नजर जाएंगे वहाँ माल सीधा हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पे अपने भाई का हाथ पकड़ लिया है यहाँ पे। पूरा हाथ पकड़ के अंदर लेके गई है घसीटते हुए। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ऑटम वॉकिंग शीट पर और अभी आपको सामान ही सामान दिखने वाला है, माल ही माल दिखने वाली है। तो आप लोग अपना सामान टाइट कर लीजिए और मेरे साथ में बने रहिए। बाहर में बैठे वाले ये देखिए ऊपर एक माल कच्ची गली। ये देखिए कच्ची गलिया, अपना अपना सामान पकड़ लीजिए। नजर जाएंगे वहां माल दिखेगा तुम्हारे को। दोस्तों चारों तरफ माल ही माल है, आप इधर देखिए या उधर देखिए। भौकाली है भौकाली। गुलाबी है गुलाबी। ये वही गलियां है, ये गली में हाथ पकड़ लेते हैं लड़के। अभी हम ये गली में घुसने वाले, तो वीडियो में बने रहिए। आप जो देखते हैं इस तरह पे लड़के हाथ पकड़ लेते हैं, ये वही गलियां है, हम यही गलियां में घुसने वाले अभी। माल ही माल, जहाँ नजर जाएंगे वहाँ माल सीधा हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पे अपने भाई का हाथ पकड़ लिया है यहाँ पे। भाई का पूरा हाथ पकड़ के अंदर लेके गई है घसीटते हुए। अभी क्या बता भाई के साथ में क्या करने वाली है। भाई को पकड़ लिया है उसने, अभी देखते हैं क्या होता है। जहाँ से हम बाहर आए और जहाँ पे आप लोगों को माल ही माल दिखा था, तो देखिए कुछ ऐसा है नज़ारा। कोई भी बात नहीं करने वाली है शायद से, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि तुम्हारे भाई के आदमी कैमरा फिर भी देखते हैं कि कौन बात करते हैं। दोस्तों ये देखिए यही वो गली है जहाँ से जो लड़के हाथ पकड़ के लेके जाती है अंदर तक, देख सकते हैं। ये देखिए अंदर शो चालू है, पूरा का पूरा अंदर शो चालू है। यहाँ से जो लड़का है वो हाथ पकड़ के लेके जाती है। यहीं से लेके जाएंगे अंदर। थैंक यू थैंक यू।
यहीं से लेके जाएंगे लड़के अंदर। दोस्तों यही वो गलिया है, यहीं से जो है लड़का वो लेके जाती है अंदर, यहीं से लेके जाती है अंदर। आपको अगर इतना होगा तो आप मेरे घर में आ सकते हैं। हाय हाउ आर यू? भौकल ही भौकल, ये जो साइड में जो ऑरेंज वाली चल रही है आप उसका देख सकते हैं पूरा, देखिए देख लिए गुरु, खुश हो गए बता दिए आपको। तो आप सभी जने अपना अपना सामान पकड़ लीजिए क्योंकि और माले दिखने वाली है अभी। वाली माल है, ये जो माले होती है वो रास्ते के एक साइड में रुकी वाली होती है ताकि उनको कस्टमर मिल सके। एक तो वो आपको घूर के देखेंगी या आपके तरफ देख के स्माइल करेंगी। ये जो इल्यूजन मॉल है, ये इल्यूजन मॉल में एंट्री फ्री है, आप जा सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे जो है वो आपको बियर लेना पड़ेगा अंदर जाने के बाद में। गुरु अगर आपको सही में लड़की होना है तो आपको मॉल के अंदर जाना ही पड़ेगा, वो पब के अंदर जाना ही पड़ेगा, इल्यूजन पब के अंदर। अगर आप ये इल्यूजन पब के अंदर जाते हैं तो आपको लड़की ही लड़कियाँ मिलेंगी, चाहे वो गोरी हो काली हो कैसी भी हो, आपको लड़की मिलने ही वाली है। वो पब के अंदर जाना है, एंट्री फ्री है, बस अंदर जाके आपको बियर लेना है। दोस्तों इसके पहले हम इल्यूजन पब के अंदर जाके आ गए और वहाँ पे हमें एक लड़की मिली थी, उसका वीडियो भी मैं अभी डाल दूँगा, फॉरेनर ही, उसके साथ में मैंने डांस भी किया है तो उसका भी जो वीडियो है वो मैं डाल दूँगा यही ब्लॉग में। मुँह पलटा लेती है गुरु, जैसे ही कैमरा आता है वैसे ही माल अपना मुँह पलटा लेती है। क्या पता उनको कैमरे के सामने नहीं आना हो, हमें नहीं पता, बट वो मुँह पलटा लेती है, रास्ते के एक साइड में खड़े रहती है माल। साला पसीना बहुत आ रहा है यार। ये वही क्लब है जिसको मैंने रील में बताया था और ये दूसरा गेट है पटम के वॉकिंग सीट का दूसरा गेट। अभी मैं आपको दूसरा गेट का भी एक बार फिर से बता दूंगा। तो यही गेट है, यही गेट से जो है वो भौकाली चालू होती है। दोस्तों ये है पटम का पहला वाला गेट जहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। ये देखिए ये है, हम दूसरे वाले गेट से आए थे, अभी हम फिर से बैग जाने की सोचने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपना सामान पकड़ लीजिए, अभी फिर से जाने वाले हैं अंदर, एक बियर छानेंगे। बियर छानने के बाद में थोड़ा दिमाग हल्का होगा और थोड़ा मौसम चलेगा। जब तक बियर छानेंगे नहीं तब तक मौसम नहीं बनने वाला, तो पहले बियर की दुकान देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर होलसेल बियर की दुकान है, यहाँ पर बियर जो है वो होलसेल रेट में मिलती है, तो मैं आपको होलसेल रेट का अड्डा बता दूँगा। आप वीडियो में बने रहिए, यहाँ पर आपको 7-Eleven से सस्ती बियर मिलेंगी, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बात का फर्क आएगा, बस उससे ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। तो जब तक बियर छानेंगे नहीं तब तक के मौसम बनने नहीं वाला है, तो मौसम बनने तक आप नज़ारे का लाभ उठाए।
उल्टे नंगे घूमते हैं यहाँ पे, उनको इतने गर्मी होते हैं कि उनको नंगा घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखिए दोस्तों फ्री की एंट्री, ये सब फ्री में घुसने के लिए इतने भीड़ कर रहे हैं। ये जो पब दिख रहा है आपको इल्यूजन पब, इसकी एंट्री भी फ्री है एकदम, आप फ्री में क्लब के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल एंट्री फ्री क्लब है। क्लब में जाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, एंट्री फ्री क्लब है। अंदर जाने का था अगर आप बियर वगैरह कुछ पीते हैं तो उसके आपको पैसे लगने वाले। माल देखिए गुरु माल, ये जो नीली वाली रशियन है, रशियन लड़कियां जो है वो भी यहाँ पे काम करती है। देखिए ये माल है जो साइड में खड़े हैं, वो माल है। जो भी साइड में खड़े हो पूरे का पूरा माल है, आप देख सकते हैं। ये सेलिब्रिटी इंक है, ये भी बहुत फेमस है यहाँ का। तो ये मोदम वोंग नाम का ये एक बार है, इसके एग्जैक्ट ये बार के एग्जैक्ट सामने ये गली आती है। ये गली में आपको जाना है, ये गली से अगर आप सीधा जाएंगे तो आपको बियर की शॉप दिखने वाली है, जो होलसेल रेट में आपको बियर देंगी 7-11 से सस्ती। दोस्तों ये बैक पेपर बार लगेगा, उससे भी थोड़ा आगे जाना है, वही गली में आगे जाना है। बैक पेपर बार के थोड़ा आगे अगर आप जाते हैं तो आपको दिखेंगी, ये देखिए पटांग विस्की नाम की दो शॉप है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पटांग विस्की नाम की शॉप दिख रही है, यही शॉप में आपको जो है वो बियर मिलेंगी। तो पहले यहाँ से बियर छानते हैं और बियर छानने के बाद में थोड़ा मौसम बनाएंगे, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। तो दोस्तों ये बियर ले लिया है, देखिए ये वो शॉप है, होलसेल है। तो आगे बढ़ते हैं, बियर हमने ले लिया है और ये जो आप कप देख रहे हैं ये है बैक पैकर कप। यहाँ पे जो लड़कियाँ मिलेंगी आपको, ये लड़कियाँ पूरे यूरोप में मिलेंगी। जिसको फाइट मारने के बाद में और नंबर पता जाएगा। ये देखिए ये पूरा यूरोपियन क्लब है, यहाँ पे जो भी लड़कियाँ मिलेंगी आपको पूरी यूरोपियन ही मिलेंगी। यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी है। तो दोस्तों अभी हम आ गए फिर से हमारे अड्डे पे, बस आँखें जमाए रखिए और नज़ारे का आनंद उठाते रहिए। देखिए गोरी चिट्ठी लड़की है, नज़ारे का आनंद उठाते रहिए दोस्तों। सामने रशियन खड़ी है, ये ओपन बार का ये लेके रशियन है। यहाँ पर रशिया से भी जो लड़की आती है वो भी काम पे लग जाती है। ये देखिए दोस्तों गर्दा सामान पकड़ लीजिए अपना। माल लेते रहिए माल, माल।
रही है माले अपना सामान रही है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हम ऐसे वीडियोज के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ मेरे भाइयों, तो चैनल पे बने रहिए, पूरे वीडियो आपके लिए है सिर्फ। ये हमारी बियर हो गई है फिनिश और मौसम बनने वाला है बहुत जल्द, तो बने रहिए वीडियो में, मौसम बनाते हैं और आपको बताते हैं। सिर्फ मेरे राइट हैंड में देखना है, क्योंकि जो भी माले दिखने वाली है वो सिर्फ आपको राइट हैंड में दिखने वाली है, आपको लेफ्ट साइड में देखना नहीं है, सिर्फ राइट साइड में देखना है। मैं जो भी माले बताऊंगा वो राइट साइड में खड़े होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये जो कि वो रशियन थी जो पंप में काम करती है, यहाँ पे बहुत से रशियन ऐसे हैं जो पंप में काम करती है। दोस्तों यहाँ पे जो माले हैं आप देख रहे हैं वो मुंडी पलटा ले रहे हैं, चौकले से मुंडी पलटा ले रहे हैं। वो कैमरा के तरफ देखिए अपनी मुंडी पलटा दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है भैंसो कैमरा चालू है। ये देखिए ये अपने भाई हैंड हैंडल लेते हुए, ये अपने जो भाई लोग हैं वो आनंद लेते हुए आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये वही पब है जिसके सामने अपनी होलसेल बियर की दुकान है, और ये वही गली है जो गली में आपको हाथ पकड़ के लेके जाने वाले हैं लड़कियाँ। ये देखिए ये है वो, अगर आप इस गली के अंदर जाते हैं तो आपको लड़कियाँ खींच खींच के लेके जाएंगी और जाके पिंग पोंग शो में जाके बैठा देंगी। पिंग पोंग शो के अंदर क्या होता है, एक लड़की आती है और वो अपने पूरे कपड़े उतार के नाचती है, जो उसका जो मेन पार्ट होता है उसके मेन पार्ट पे एक सेलो टेप लगा होता है, और जो ऊपर के दो मेन पार्ट होते हैं उस पर भी दो सेलो टेप लगे होते हैं। ऐसा करके लड़की बैठती है और हमारे सामने मुद्रा करती है, यही है पिंग पोंग शो। पिंग पोंग शो देखने के लिए आपको पैसे लगते हैं, तो आप पैसे वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको लड़की देखनी है तो आप पैसे वेस्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। नहीं जो बैक कैमरा चल रही है, हाँ तो दोस्तों अभी नजरें बनाए रखिए, आपको माल ही माल बताने वाला हूँ। ये देखिए ये एक माल है, वो 7-Eleven। बट अगर आपको सही में बियर खरीदनी होगी तो आपको 7-Eleven से सस्ती, वो जो मैंने शॉप बताई वो शॉप में बियर मिलने वाली है। अगर 7-Eleven से सस्ती बियर आपको चाहिए होंगी तो वही शॉप में मिलने वाली है आपको, बाकी कोई शॉप में आपको बियर नहीं मिलने वाली है, ज़्यादा नहीं 10-12 का फ़र्क आने वाला है। हाँ दोस्तों क्या बोलते हैं, चले इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। अगर कुछ काम की चीज़ मिलती भी है तो हम आपको बता देंगे कि कुछ काम की चीज़ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ बाहर है, और ये जो बाहर है ये बाहर के अंदर लोग अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं, और यहाँ पे भोपाली तो दिख ही रही है, यहाँ पे माली भी है जो हाथ पकड़ के लेके जाती है। अभी मैं फ्रंट कैमरे से आपको बता दे रहा हूँ, बट जब मैं फिर से वापस आऊँगा तो मैं बैक कैमरा चालू करके वापस आऊँगा। तो ये देख सकते हैं ये पूरे बाहर है, ये पूरे बाहर है, और ये बाहर में सिर्फ लड़कियाँ बैठी है, और ये लड़के का काम एक ही है। तो यहाँ पे वीडियो शूटिंग देना अलाउड नहीं है ऐसा बोला है सिक्योरिटी गार्ड ने, लेकिन हम फिर भी वीडियो शूटिंग देकर आपको बता रहे हैं। यहाँ का जो नज़ारा है वो कैसा है आप देख सकते हैं, मुझे एक लड़की ने आड़ा दिया था यहाँ पे, सीधा हाथ पकड़ के आपको अंदर लेके जाएंगी लड़की, देख सकते हैं क्या बात है। हाँ 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 हाँ
आपने पूरा घर था। ये देखिए क्या बात है। फिर से जा रहे हैं हम बीच की तरफ, फिर से हम बीच की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। और ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में खड़ी है वो भी माली है, आप देख सकते हैं माल की तरफ। ये देखिए कैमरा आते ही वो मुंडी पलटा दिखी है। ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिख रहे हो आपको सब माली माल है, आपको बस नज़रें जमाए रखनी है। तो दोस्तों ये था पटांग वॉकिंग स्ट्रीट का कुछ नज़ारा जो मैंने आपको बताया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के बाय, टेक केयर, सी यू सून।